नमस्कार दोस्तों, नित किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। नारियल का लड्डू मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। घर का बना लड्डू मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और आपका लड्डू कैसा बना मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी यह नारियल के लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। चलिए नारियल का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। नारियल का लड्डू बनाने के लिए गैस ऑन करके रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 छोटा चम्मच घी। ये देखिए, ये देसी घी है, इसको हम डाल दे रहे हैं। घी डालने के बाद हम यहाँ पर 3 कप नारियल का बुरादा लिए, इसको डाल दे रहे हैं। ये देखिए, ग्राम में लगभग ये 300 ग्राम के आसपास होगा। घी और नारियल को अच्छे से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद लो फ्लेम पर हम नारियल बुरादा को 2 से 3 मिनट भून लेंगे। दो नारियल को भूनने से नारियल के लड्डू का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए आप जब भी लड्डू बनाएं तो नारियल के बुरादा को भूनकर ही लड्डू बनाएं। इस तरह से चलाते हुए लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हम इसको भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ हम कप से 3 कप नारियल लिए हैं। आपके पास अगर कप नहीं है तो आप किसी भी कटोरी से 3 कप नारियल का बुरादा ले लीजिए। उसी हिसाब से आप बाकी और सामग्री डालिए। इससे क्या होगा कि हमारा लड्डू जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। न कुछ कम होगा, न कुछ ज़्यादा होगा लड्डू में। ये देखिए, नारियल को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। ये देखिए, थोड़ा सा हम बीच में जगह बनाएंगे और दूध को डाल देंगे। यहाँ पर 1 कप उबला हुआ दूध हम डाल देंगे। दूध डालकर अच्छे से हम मिला देंगे। गैस का फ्लेम लो पर ही रखिए। दूध और नारियल बुरादा को अच्छे से मिला दिए हैं। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हम लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। नारियल का बुरादा और दूध अच्छे से पक गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पर हम 3 कप नारियल का बुरादा लिए थे, इसमें 1 कप चीनी डाल रहे हैं। दोस्तों, चीनी वह अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इसको भी डाल दे रहे हैं। चीनी और नारियल को अच्छे से मिला देंगे। इस समय गैस का फ्लेम लो पर ही है। ये देखिए, चीनी मेल्ट होने लगा है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगा तो नारियल का जो मिश्रण है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा, पर हमें गीला मिश्रण नहीं रखना है। हमें जो है मिश्रण को अच्छे से सुखाना होगा। आप देख सकते होंगे, चीनी जब मेल्ट हो रहा है तो मिश्रण गीला होता जा रहा है। इस समय आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर सकते हैं, पर हाई पर ना करें। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप चीनी को अच्छे से पका लें, लेकिन चलाना ना छोड़ें। दोस्तों, आपको लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है, चीनी के साथ नारियल भी अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप चलाते रहिए, चलाते हुए इसको पका लीजिए। चीनी और नारियल अच्छे से पक गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ये मिल्क पाउडर है। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, पर इसके डालने से नारियल के लड्डू में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिल्क पाउडर डालने से नारियल के लड्डू में खोए का टेस्ट आता है, तो लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। मिल्क पाउडर को अच्छे से डालकर हम मिला देंगे। दोस्तों, मिल्क पाउडर के जगह पर आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप खोया या मिल्क पाउडर ज़रूर डालिए। इससे नारियल का लड्डू आपका मार्केट से भी कई गुना अच्छा बनेगा। दोस्तों, झटपट बनकर तैयार हो जाने वाला ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है।
आपका कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है तो आप झटपट नारियल का लड्डू बनाकर खाइए। झट बहुत जल्दी बन भी जाता है, टेस्ट इतना अच्छा कि आप बार बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। अभी डो आपको गीला दिख रहा होगा, पर इसको हमें 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए और पका लेना है। इससे जो लड्डू का डो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए लड्डू का मिश्रण अच्छे से पक गया है, कढ़ाई भी छोड़ रहा है, इसी तरह का हमें चाहिए मिश्रण। ये तैयार हो गया, हम गैस को बंद कर देते। दोस्तों अगर आप इसमें इलायची का फ्लेवर देना चाहते हैं तो आधा थोड़ा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दीजिए, पर हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। लड्डू का मिश्रण हम प्लेट में निकाल लिए, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद लड्डू बनाते हैं। दोस्तों इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस इतना ठंडा करना कि इसका हम हाथ में लेकर लड्डू बना सकें। लड्डू का मिश्रण ठंडा हो गया है, इस तरह से हम डो थोड़ा सा डो लेंगे हाथ में। ये देखिए लड्डू का साइज बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत ना बड़ा लड्डू बना रहे हैं ना बहुत छोटा, मीडियम साइज का लड्डू बना रहे हैं। इस तरह से गोल, इस तरह से चिकना करके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया। लड्डू देखने में और अच्छा लगे इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर नारियल का सूखा नारियल का बुरादा लिए हैं। इस तरह से हम लड्डू को नारियल के बुरादा से कोट कर देंगे। ये देखिए लड्डू देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम एक लड्डू और आपको बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा डो। इस तरह से सारा लड्डू हम बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारा लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। दोस्तों बहुत अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ, हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ। दोस्तों आप एक बार ज़रूर बनाएं और आपका लड्डू कैसा बना मुझे कमेंट करके बताएँ। मेरी यह नारियल लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।